Hello children, welcome to this class. Myself Mrs. Anjali Sarode from Tata Chem DAV Public School. Class 4 subject science, lesson 6 insects, and today's topic is useful insect number 1, honeybee. We get honey from honeybees. Okay, so today we are going to learn about this topic. Children, there are some insects which are very useful for us. Let us know about them. Useful insects. Do you know, children, what insect help humans? कौन से insect हमें helpful है? क्या आप जानते हैं? Say, some useful insects include honeybees, ladybugs, praying mantises, green lacewings, dragonflies and earthworms, silk moth, lac insect, ladybird beetles. So these are the different insect, they are useful to us. See, one by one I introduce you. Number one, helpful honeybees. See the picture of honeybee, ताकि आपको पता चले कौन से insect का क्या नाम है. Okay, watch carefully. Lovely ladybugs. This is ladybugs. Then mantises, जिसे आप हरा घोड़ा भी बोलते होंगे शायद. Then lacewings, this insect is also very helpful. Then dragonflies and earthworm. यह earthworm farmer को बहुत help करता है. और next है जो कि आपके book में है, आपको जानना है, that is the silk moth. We get silk from this worm. Then है lac insect, ladybird beetle. So these are insect, they are very helpful to us. Children, useful insects number 1, honeybee, page number 44. Students, honey is a sweet food made by bees using nectar from flowers. ये तो सभी आप जानते हैं, but how we get honey from honeybees? Okay, see, honeybee are one of the insects which are very useful for us. They build their hives on trees and roof of old buildings. Old building के roofs पे और tree पे कहीं पे भी मधुमक्खी का छाता या छत्ता आप देखते हैं. आप सब लोग जानते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, आप मज़े भी लूटते हैं, बट इट इज़ वेरी डेंजरस टू गो नियर. ओके, क्योंकि हनीबीज होते हैं जो कि काटते भी है, तो उनको अगर हम परेशान ना करें तो हमें कोई धोखा नहीं होता है, दूर से हम देख सकते हैं. तो ये छत्ता आपको दिखाई देता है. सो हाउ वी गेट हनी फ्रॉम दिस छत्ता और हाइव्स? सी, हनीबीज आर यूजफुल अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. है ना, हनीबीज जो होती है वो अट्रैक्ट होती है फ्लावर्स की तरफ. क्यों? वहाँ पे जो स्वीट स्मेल आती है, तो स्वीट स्मेल किसकी आती है? वहाँ एक लिक्विड होता है कॉल्ड नेक्टर. सी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हनीबीज आर यूजफुल अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. सच फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल नेक्टर. जो स्वीट लिक्विड होता है उसको नेक्टर बोलते हैं, और वो चूस के वो लाती है. कहाँ लाती है देखेंगे. हनीबी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू द हाइव वेयर दे लिव. जहाँ पे हनीबी रहती है या अपना छत्ता बनाती है ना, वहाँ पे वो जो लिक्विड लाती है फ्लावर्स से चूस के, वो यहाँ पे रखती है. ओके, चिल्ड्रन, बी हाइव मीन्स अ डोम शेप्ड और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन विच बीज आर केप्ट. ओके, अ बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मेनी सिक्स साइडेड चेम्बर्स कॉल्ड कॉम्ब्स. आपको दिखाई दिया होगा कि सिक्स साइडेड हेक्सागोनल शेप का ये चेम्बर दिखता है, उसको कहते हैं कॉम्ब्स. ओके, हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन दिस कॉम्ब्स. हनी बीज फ्लावर से नेक्टर लाती है, एंड कीप इट हियर, शी स्टोर द नेक्टर हियर.
in this combs. Okay, the nectar changes into honey. तो इस तरह से स्वीट लिक्विड फ्लावर का जो कि नेक्टर कहा जाता है वो हनी में चेंज होता है. हाउ वी गेट हनी फ्रॉम दिस बीहाइव्स? से हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बीहाइव बाय लाइटिंग अ फायर अंडर इट. जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है वहाँ फायर करते हैं और कलेक्टर वहाँ से कलेक्ट करता है हनी भी. हाउ सी द हीट एंड स्मोक ड्राइव द बीज आउट ऑफ द हाइव. जैसे ही फायर होती है तो उसके कारण जितनी भी मक्खियाँ है वो भाग जाती है. ओके, द हनी कलेक्टर देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर इन इट. और हनी कलेक्टर वो हाइव रिमूव करता है वहाँ से एंड कलेक्ट द हनी स्टोर इन इट. वहाँ के वहाँ उसमें जो हनी कलेक्ट होता है वो स्टोर करता है, इकट्ठा करता है. नाउ वॉच दिस स्लाइड केयरफुली. हनी भी दिख रही है. ओके, शी इज कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर स्टोर इन द चेम्बर. तो इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाई देगा. सी वन बाय वन मधुमक्खी का छत्ता और दिस एंड देन कलेक्टर कलेक्ट हनी फ्रॉम दिस कॉम्स हाइव बी हाइव. सो इन दिस वे वी गेट हनी फ्रॉम यस हनी बीज. नोट डाउन योर होमवर्क. रीड पेज नंबर 44 एंड 45 एंड राइट डाउन दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर इन योर रेप बुक. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम अ बी हाइव. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू बीज स्टोर द नेक्टर. एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉम्स. तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको रब बुक में लिखना है. किसमें? आर बुक में, रब बुक में. पर उसके लिए आपको पेज नंबर 44-45 रीड करना पड़ेगा एंड आपको वो मार्किंग करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर जो लिखा है आपके आंसर, सिर्फ नंबर मत डालो, जस्ट मार्क इट. ओके, एंड रीड केयरफुली. सो दिस इज होमवर्क. चिल्ड्रन एंजॉय योर डे. डू होमवर्क रेगुलरली एंड आफ्टर वॉचिंग दिस चैनल यू हैव टू राइट योर नेम विथ सेक्शन इन कॉमेंट्स बॉक्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.